I think the ayes have it. The ayes have it. The ayes have it. The motion is adopted. Sri Raghav Chadha may attend the proceedings of the House. The Post Office Bill 2023. Sri Ashwini Vaishnav to move a motion for consideration of the Post Office Bill 2023. Honorable Chairman, sir, I rise to move that the Post Office Bill 2023 be taken into consideration. Mananiya Mantri ji, aap bolna chahenge? Honorable Chairman, sir, 125 saal purane Indian Post Office Act ko amendment karne ke liye bill leke aaya gaya hai. Post Office Bill 2023. Jaisa hum sab jante hain, Mananiya Sabhapati Mahoday, डाक और डाकघर और डाकिया ये एक ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जिन पे देश भर में जन जन में बहुत ही एक बड़ा विश्वास है. 125 साल पुरानी संस्था को एक समय था जब लग रहा था कि ये इररेलेवेंट हो जाएगा. विशेषकर जो यूपीए का पीरियड था उस पीरियड में तो प्रैक्टिकली डाक और डाकघर को एक तरीके से फेज आउट करने की नौबत आ गया था. लेकिन पिछले 9 वर्षों में जिस तरह से पोस्ट ऑफिस और पोस्टल इंस्टीट्यूशन को रिवाइव किया गया है उस रिवाइवल का रिफ्लेक्शन है इस नए बिल में. माननीय सभापति महोदय, पिछले 9.5 वर्षों में डाक और डाकघर और डाकिये को इसको मेल डिलीवरी से सर्विस डिलीवरी के एक इंस्टीट्यूशन में ट्रांसफॉर्म किया गया है. पोस्ट ऑफिस को प्रैक्टिकली एक बैंक में कन्वर्ट किया गया है. डाकघरों का विस्तार 2004 से 14 में जहां 660 डाकघर बंद किए गए थे, आज आपको जानकर खुशी होगी माननीय सभापति महोदय, सदन को जानकर खुशी होगी, 2014 से 2023 के बीच में करीब 5000 डाकघर नए खोले गए और करीब 5746 और नए खोलने की प्रक्रिया में 1,60,000 डाकघरों को कोर बैंकिंग और डिजिटल बैंकिंग के जरिए से कनेक्ट किया गया है. जैसा मेल डिलीवरी से सर्विस डिलीवरी में कन्वर्जन का विजन है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, उसी के तहत डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र 434 जिसमें अब तक करीब करीब 1.25 करोड़ एप्लीकेशंस प्रोसेस की जा चुकी है. डाकघर आधार सेवा केंद्र 13,500 खुले जा चुके हैं. 3 करोड़ से ज़्यादा सुकन्या समृद्धि खाते जो बेटियों के लिए एक बहुत बड़ा आर्थिक संबल बनता है उसमें 1,41,000 करोड़ रुपए अब तक जमा हो चुके हैं. इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक जो कि बैंक को पोस्टल सिस्टम को बैंकिंग सिस्टम में कन्वर्ट करने का एक बहुत बड़ा माध्यम है, इसमें केवल महिलाओं के बहनों के 3.5 करोड़ से अधिक खाते अभी तक खोले जा चुके हैं. सभापति महोदय, आपको एक और बहुत जानकर खुशी होगी कि डाकघर निर्यात केंद्र एक ऐसी सुविधा बनी है जिसके जरिए से एक रिमोट एरिया से भी साधारण ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले व्यक्ति भी दुनिया के किसी भी देश तक अपने सामान को पहुंचा सकते हैं. अब तक 867 डाकघर निर्यात केंद्र खोले गए हैं जिसमें 60 करोड़ से अधिक का निर्यात किया गया है. और इसमें ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, कर्नाटक के बेलगांव से एक बहन सृष्टि करंजनी घर में बने वाटर कलर एक्सपोर्ट करती है अमेरिका को. पंजाब के सरहिंद से एक भाई शिव कुमार आयुर्वेदिक दवाइयाँ एक्सपोर्ट कर रहे हैं. श्रीनगर से भाई श्री आदिल अहमद खान गलीचे रग्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं. आसाम के सुदूर गोलाघाट से सैयद असद भाई जूट से बने हैंडबैग एक्सपोर्ट करते हैं. और कोट्टायम केरला से मैथ्यू जोसेफ नेचुरल और आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स निर्यात कर रहे हैं. तो इस तरह के ऐसी सुविधाएं डाकघर के जरिए से मिल रही है. आज उसका ग्लोबल रिकग्निशन भी है. यूनाइटेड नेशंस का जो ऑर्गेनाइजेशन है यूपीयू,
उसने अभी रिसेंटली स्पेशल जूरी अवार्ड दिया है इंक्लूसिव ग्रोथ, इंक्लूसिव टेंडर, इंक्लूसिव ट्रेड इंक्लूजन के लिए डाकघर निर्यात केंद्र को यूपीओ से अवार्ड घोषित किया गया है। माननीय सभापति महोदय, डाकघरों में नवीनतम टेक्नोलॉजी का उपयोग हो रहा है। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि एक 3 डायमेंशनल प्रिंटेड डाकघर बना बेंगलुरु में, और एक नया एक्सपेरिमेंट किया गया जिसमें 4 लाख से अधिक श्रमिक सुरक्षा बीमा खाते खोले गए। ओवरऑल इस 125 साल पुराने कानून की एवज में जो नया कानून लाया गया है अति सरल भाषा में बना है, छोटा सा कानून है, 17 क्लॉजेस का, और सारा का सारा फोकस है मेल डिलीवरी से सर्विस डिलीवरी पे और डाकघर से बैंकिंग सर्विसेज पे शिफ्ट होने का। धन्यवाद। धन्यवाद मोशन मुफ्त। माननीय सदस्यगण, इस बिल पर